www.menusmenu.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू menusmenu.com. आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मुंबई स्पेशल बटर मसाला पाव. और ये बटर मसाला पाव के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखाती हूँ. बटर मसाला पाव बनाने के लिए हम लेंगे पाव, ये आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएंगे. चॉप किया हुआ टमाटर, आप दो टमाटर ले सकते हैं. एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, दो चम्मच बटर, एक चम्मच पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार. गार्निशिंग के लिए हम लेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटा हुआ प्याज, आधा नींबू, चॉप किए हुए जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च, और साबुत जीरा. तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं बटर मसाला पाव. सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और उस पर एक पैन रखेंगे और एक बड़ा चम्मच बटर डालेंगे. बटर गर्म होने के बाद हम उसमें जीरा डालेंगे. और उसको भून लेंगे. जीरा भूनने के बाद हम उसमें चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे. साथ ही हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज मिला देंगे. गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है. प्याज को भूनने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे. 2 से 3 मिनट शिमला मिर्च को भूनने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे. अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे. और साथ ही हम इसमें एक चम्मच पाव भाजी मसाला भी डाल देंगे. आप पाव भाजी मसाले को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ज्यादा या कम. मसाले को भूनने के बाद हम इसमें एक कप पानी ऐड करेंगे. अब हम पैन को ढक देंगे और इस मिक्सर को तब तक पकाएंगे जब तक पानी सूख ना जाए और एक ये पेस्ट ना बन जाए. जब तक हमारा मिक्सर पक रहा है तब तक हम एक तवे पर पाव सेक लेंगे. हम तवे पर थोड़ा बटर लगाएंगे और इस तरह से पाव रख देंगे. पाव को दबाकर सेकेंगे ताकि वो अच्छे से सिक जाए. पाव को हमें दोनों तरफ से सेकना है. अब हमारा मिक्सर बनके तैयार है और हम गैस बंद कर देंगे. जब मिक्सर बनके तैयार हो जाए तो पाव पे उसको इस तरह से स्प्रेड कर दें. अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे. गार्निशिंग करने के लिए हमने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया लिया हुआ है. हम इसको इस तरह से इस पे गार्निशिंग कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाल देंगे. आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, इस रेसिपी को ट्राई करके हमें जरूर बताएं और हमारे कमेंट्स में अपने ओपिनियंस दें और हमारे ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें और हमारा पेज लाइक करना भी ना भूलें.